देखो दोस्तों, कुछ छपरी लोग पता क्या बोल रहे हैं कि यूरोप के अंदर भूल भुलैया 3 ओवरसीज के कई कंट्री में BB3 की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है, उसके टिकट और हाउसफुल चल रहे शोज। लेकिन दोस्तों कहीं एक तरफ कुछ ये भी बोल रहे हैं कुछ लोग कि भैया सिंघम अगेन जो है वो ओवरसीज में फ्लॉप चल रही है, सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग बड़ी खराब है ओवरसीज के अंदर। एंड गाइज, ये कतई भी झेलने लायक बात नहीं है, क्योंकि ये छपरी लोग जानबूझ के BB3 की प्रमोशन कर रहे हैं और सिंघम अगेन की नेगेटिविटी कर रहे हैं। अभी मैंने हाल में इंटरव्यू देखा दोस्तों, और उस इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने पता क्या बोला, रोहित शेट्टी ने ये बोला है कि ये लगभग कल की बात ही है, तो कल ऑफकोर्स वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा था, वाइट कलर की टी शर्ट डाली थी अजय देवगन ने, एंड गाइज ब्लैक कलर का जो पहन रखा था वो रोहित शेट्टी ने क्लॉथ पहन रखा था। गाइज आपको बता दूं मैं कि रोहित शेट्टी ने साफ साफ बोल दिया है 1000 वर्कर क्लाइमेक्स का पार्ट थे, और साफ साफ ही बोल रहे हो कि क्लाइमेक्स पार्ट इतना लाजवाब होने वाला है कि आप सबको भूल जाओगे, क्लाइमेक्स पार्ट बहुत फाड़ू होने वाला है। यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि बैंकों की टीम क्या बोलते हो, हॉलीवुड से सारे बंदे उठाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल के दोस्तों, मतलब अलग अलग कंट्री के स्पेशल जो इस फील्ड के वर्कर है, लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर हो, लाइक एक्शन डायरेक्टर दोस्तों, उनको बुलाया गया और उनकी भी टीम मिलकर काम किया है। कॉप यूनिवर्स से भी बड़ी यूनिवर्स होगी ये दोस्तों, बता दूं मैं, कॉप यूनिवर्स जो है ना ये बहुत बड़ा एक्सपेंड करेंगे ये, एंड भूत यूनिवर्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कार्तिक आर्यन भूत यूनिवर्स चालू कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये आगे चल के जो है स्त्री 2 के यूनिवर्स से मिल जाएगी। गाइज लेट्स सी क्या होता है, बट अभी तक दोस्तों मैं बात बोलूँ तो देखो नंबर तो एग्जैक्ट नहीं आया हुआ है क्या पोजीशन है सिंघम अगेन की, बट ऑर्गेनिकली बात करूँ तो सिंघम की हाइप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अब दोस्तों ऑलमोस्ट 20 तारीख है आज, 10 दिन बचा हुआ है दोस्तों, और एडवांस बुकिंग खोल देनी चाहिए। अभी तक एडवांस बुकिंग इंडिया में खोली नहीं है, और मेरे ख्याल से रोहित शेट्टी को मेरा मैसेज है कि एडवांस बुकिंग जितनी जल्दी खोलेंगे उतना ही बढ़िया है। सिंघम रिलीज कर दिया, ठीक है उससे कलेक्शंस हो रहे हैं, करोड़ रुपये कमा रही है अभी भी, लेकिन गाइज अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आया हुआ है, लेकिन अभी तक एडवांस बुकिंग भी चालू नहीं हुई है ओवरसीज के अंदर। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरान और अदर कंट्रीज में चालू हो चुका है, लेकिन दोस्तों यूरोप में भी चालू हो चुका है, इनफैक्ट भूल भुलैया 3 का भी ओवरसीज में चालू हो चुका है, लेकिन इंडिया में दोनों फिल्मों का अभी तक चालू नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि सिंघम अगेन जब तक स्टॉप नहीं हो, सिंघम रिलीज जब तक स्टॉप नहीं होगी तब तक सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग चालू नहीं हो सकती दोस्तों, तो इसलिए सिंघम रिलीज को अभी स्टॉप करना होगा एंड सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग को बुक माई शो पर चालू करना होगा, क्योंकि जब तक सिंघम रिलीज जो हुई वो स्टॉप नहीं होगी तभी दोस्तों एडवांस बुकिंग सिंघम के तीसरे पार्ट की चालू होगी। तो मेरे हिसाब से रोहित शेट्टी को अब डिले नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी एडवांस बुकिंग चालू होगी उतना ही क्रेज बढ़ेगा, एंड रोहित शेट्टी को अब सेकंड ट्रेलर लेकर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि रोहित शेट्टी इसके सेकंड ट्रेलर को बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, एंड इसके और भी सॉन्ग्स बहुत पाइपलाइन में है गाइज। सो ओवरऑल दोस्तों कुल मिला के जितने भी छपरी लोग भूल भुलैया 3 को प्रमोशन कर रहे हैं, करने दो भाई, लेकिन वो तो डे नंबर 1 बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन ही बता देगा कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में बाजी मारती हुई नजर आएगी एंड कौन सी फिल्म दोस्तों रिकॉर्ड बनाएगी। तो दोस्तों ये थी सिंघम अगेन वर्सेज BB3 की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट। गाइज एडवांस बुकिंग अभी जल्द ही चालू हो जाएगी, जैसे चालू होगी इंडिया में कितना करोड़ कमाएगी सारी खबर लेते आऊंगा, एंड गाइज अपडेट के लिए तैयार जाओ, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि आपको बैक टू बैक सिंघम की और भूल भुलैया 3 की रिपोर्ट मिलती रहेगी। एंड भाई साहब सेकंड ट्रेलर आ रहा है, सॉन्ग आ रहा है, बहुत कमाल की न्यूज मिलती रही। थैंक यू सो मच दोस्तों, और बाकी कौन लगता है कौन मारेगा बाजी, BB3 बाजी मारेगी या दोस्तों सिंघम अगेन, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं शुरू में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद गाइस।